आज महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से पिछले ढाई वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार ने लगातार वहां की जनता के लिए गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नाम पर केवल महाविभाजन दिखा और महावोट बैंक अघाड़ी दिखी, जिसने हर तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से जे फॉर झोल, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट किया, उससे झारखंड के जनता और खास करके आदिवासी समुदाय अपनी रोटी बेटी माटी संस्कृति को और रोजगार के अवसर को फिर से प्राप्त करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लाने जा रहा है। दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, हमें इसका पूरा विश्वास है। एग्जिट पोल आ चुके हैं और कुछ ही देर में एग्जैक्ट पोल आने के बाद दोनों जगह पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और कुछ अंदेशा जिस प्रकार से संजय राउत जी के बयान आए हैं, सामना का बयान आया है और जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम पर नतीजे आने से पहले ही, उदित राज हो या कांग्रेस के अन्य नेता हो, उसी से पता चल जाता है कि वहां पर अपनी हार को लेकर अभी से चिंता शुरू हो चुकी है।